मुफ्ती तारिक मसूद के बयान के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें मा एक सवाल करने वाले ने सवाल पूछा भी आजाब वाक़ उस अजाब के बारे में जो वाक़ हो के रहेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये बताते कि ये दुनिया ख़त्म होगी ये तो सब मानते हैं दुनिया ख़त्म होगी लेकिन इसके बाद तुम्हें अल्लाह के सामने हिसाबों किताब भी देना है अगर बुरा करोगे तो उसका अजाब आएगा अच्छा करोगे तो उसका उसका अच्छा बदला मिलेगा तो मुश्रकिन और काफिर लोग क्या कहते हैं भई जो अजाब आएगा तो अभी ले आओ आप जो आजाब आएगा वो अभी ले आओ एक एतराज़ तो ये किया करते थे लेम तस्ता जिलुन बिल कहते थे कि तुम बजाय इसके किबा करो और अपने गुनाहों को माफ़ करवाओ तुम तोबा के बजाय अजाब में जल्दी क्यों करते हो एक उनका मुतालबा यह होता था कि भाई अभी आ जाए ना अजाब तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बताते कि एक टाइम है मुतयन है क़यामत एक वक्त पे आएगी वो तुम्हारी मर्जी पे नहीं आएगी तो अगला उनका सवाल होता था फिर वो कब आएगी उसका टाइम बताएं आप हमें देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका दलील से कोई ताल्लुक नहीं होता दलील से कोई ताल्लुक नहीं होता मैं बार बार एक मौजू को बयान करता रहता हूं अक्सर के जो शख्स भी कोई दावा करता है ना उसके जिम्मे दलील पेश करना होता है सामने वाला जिस किस्म की दलील का मुतालबा कर रहा है ये इसके जिम्मे पेश करना नहीं होता समझ में आ रही है बात दलील किसे कहते हैं किसी शय का ऐसा होना कि उसके तस्वूर से किसी दूसरी चीज का तस्वूर लाजिम आए इसको दलील कहते हैं मिसाल के तौर पर आपको धूप नजर आ रही है आप जब धूप का तस्वर करेंगे लाजमी तौर पर सूरज का तस्वर आएगा कि नहीं आएगा यह हो सकता है कि धूप का तस्वर आ रहा हो और आप सूरज की नफी कर रहे हो अबे क्यों ईको कर दिया पहले ठीक था यार तो ये हो सकता है नहीं हो सकता ना तो हम कहेंगे ये ये धूप दलील है इस बात की कि सूरज मौजूद है अगला कहता है कि नहीं कोई और दलील दे भाई मैं ये वाली दलील नहीं मानूंगा कोई और दलील दे चार आदमी गवाही दें कि सूरज मौजूद है तो मैं मान लूंगा और चार भी गफार सत्तार वसीम और कलीम होने चाहिए वो गफार सत्तार वसीम कलीम इसके अपने मामे हैं चाचे हैं वो दे ही नहीं रहे वो बयान ही नहीं दे रहे तो अगला कह रहा है कि नहीं जी ये चारों जब तक गवाही नहीं देंगे ना मैं नहीं मानूंगा कि सूरज निकला हुआ है तो जो बेवकूफ लोग हैं ना वो आप पे दबाव डालेंगे बोलेंगे तू इन चारों से निकलवा ले जबान से चार से जबान से निकलवा ले कि सूरज मौजूद है देख उसने कहा है कि ये चारों गवाही देंगे तो मैं मान जाऊंगा अगर आप बेवकूफ़ होगे तो चारों से जबान से निकलवाने की फिक्र में लग जाओगे आप टाइम ज़ाया करने लग जाओगे अक्लमंद होगे तो आप बोलोगे भाई ये देख ले धूप है ये वाली लाइट और ये इस तरह की धूप ये बत्तियों की ये बल्ब की नहीं होती मानना है मान वरना पतली गली से निकल मेरे पास फालतू टाइम नहीं है कि मैं इन चारों को उगलवाऊं जबान से ये तो प्लान मालूम एक प्लान होता है कि पहले से प्लान किया हुआ है कि इन चारों से ये उगलवा उगवा नहीं जाएगा तो आज बहुत सारे बातिल फिरके जो है ना गैर मुस्लिम भी वो कह रहे होते हैं हमसे हमारी मर्जी की दलील दो जो हम कह रहे हैं इस्लाम के बरहक होने की पैगम्बर के बरहक होने की या जिन मसाइल को तुम फॉलो करते हो उनके बरहक़ होने की जो दलील हम मांग रहे हैं वो दो गैर मुस्लिम क्या दलील मांगता है जो मशरकिन दलील मांगते थे भाई क्यामत कब कायम होगी आपको चूँकि क्यामत का टाइम नहीं पता इसकी अलामत है कि क्यामत आएगी ही नहीं भाई भाई किसी चीज़ का टाइम पता ना होना ये इसकी अलामत कब से हो गई कि ये चीज़ ही नहीं है ऐसा मुमकिन है एक चीज़ ने होना हो लेकिन हमें उसका वक्त मालूम ना हो मुझे पता है मैं कब मरूंगा आपको पता है आप कब मरोगे बोलो ना अब कोई डॉक्टर आपसे कहे कि यार एक दिन एक ना एक दिन आप हाँ मरोगे आप कहो डॉक्टर साहब क्या दलील है इसकी कि मैं एक दिन मरूंगा डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी इसकी दलील ये है कि आज तक कोई बचा है नहीं <laughs> तो तू क्या तू जो है कोई सर्टिफिकेट लेकर आया है क्या या तू कोई अल्लाह का खास लाडला है तो यही दलील है सब मरते हैं तो भाई तू तू भी मरेगा आप कहें अच्छा फिर कब मरूंगा ये बताओ डॉक्टर ये तो मैं नहीं बता सकता आप कहें डॉक्टर साहब जब तक आप ये नहीं बताओगे ना मैं कब मरूंगा, मैं आपको समझूंगा कि आप झूठ बोल रहे हो आपके पास कोई दलील नहीं है तो डॉक्टर अगर अकलमंद होगा बोलेगा भाई निकल पतली गली से टाइम मेरा ज़ाया मत कर मैंने दलील दे दी है कि अरबों खरबों लोग दुनिया में आए हैं एक भी नहीं बचा तो तू क्या अलग से सॉफ्टवेयर अपडेट करवा के आया है अपने क्या हैं एंटी जलवाया क्या तो ये दलील काफी है और ये कहना कि कब मरेगा भाई मुझे क्या पता कब मरूंगा यार ना मुझे अपना पता है ना मुझे तेरा पता है लेकिन ये इसकी अलामत नहीं है कि मरेगा नहीं तू वो कह रहे है, नहीं डॉक्टर साहब मैं तो जब तक नहीं मानूंगा जब तक आप ये नहीं बताओगे कि कब मरूंगा डॉक्टर कहेगा या तो गुस्से से टीटी उठा के गन गनपट्टी पे रख देगा और बोलेगा तू अब मरेगा पांच मिनट के बाद मरेगा टाइम बता दिया ना मैंने फिर भी डॉक्टर उसके जवाब देने में लग जाए ना तो इसका मतलब ये भी पागल है डॉक्टर तो इसी तरह ये जो बातिल फिरके हैं ना ये भी ऐसे ही ऊट पटांग दलाइल का मुतालबा कर रहे होते हैं इस्लाम पर ऊट पटांग किस्म के इतराज कर रहे होते हैं जिनमें एक एतराज तो मैंने बताया भाई क्यामत का टाइम बताओ ना कब आएगी हर पैगम्बर से ये पूछा गया है कब आएगी आप सारे पैगम्बर आदम से लेके मोहम्मद सल अला वसलम तक सब कह रहे हैं क्यामत आएगी आएगी और हर पैगंबर से पूछा गया टाइम बताएं हर पैगंबर ने कहा नहीं पता हमें वक्त का इल्म नहीं है तो लोगों ने कहा जब आपको पूरी नॉलेज ही नहीं है तो आप दावा क्यों कर रहे हैं तो पैगंबर ने कहा जितनी नॉलेज है उसका दावा किया जा सकता है हमने यह दावा ही नहीं किया कि हमें हर चीज की नॉलेज है देखो दावा यह किया होता ना हमें हर चीज की नॉलेज है फिर हम कहते हैं कि हमें नहीं पता कब आएगी क्यामत तो दावा और दलील आपस में मैच नहीं कर रहे होते दावा तो है कि सब कुछ पता है और जब पूछा जाता है उस दावे की दलील के तौर पर सब कुछ पता है तो ये भी बताएं तो वो कहना हमें नहीं पता तो आप एक तरफ दावा कर रहे हो सब कुछ पता है दूसरी तरफ कह रहे हो हमें नहीं पता तो बात गलत हो जाती पैगंबरों ने यह दावा किया ही नहीं कि भाई हमें सब कुछ पता है पैगंबरों ने यह कहा हमें जितना पता है उतना बता दिया और यह पता है कि क्यामत आएगी ये अल्लाह ने हमें बताया हमारे सच्चे होने की क्या दलील है कि हम झूठ नहीं बोलते वो बहुत सारे दलाइल हैं हमने चालीस साल तुम्हारे पास गुजारे और फिर हमारे मोज़े हैं ये ऐसे मोज़े हैं जो शोबदे नहीं हैं क्योंकि जो शोबदे जिनके हाथों पर जाहिर होते हैं वो अलग किस्म के लोग होते हैं जादू टोने वाले उनकी ये पर्सनैलिटी नहीं होती उनकी ये तालीमत नहीं होती वो माँ बाप के हकूक़ नहीं सिखा रहे होते वो विरासत के ख़रीदो फ़रोह के निका तलाक़ के अकाम नहीं बता रहे होते वो अखलाकियात के पैमाने मुतन नहीं कर रहे होते तो वो अल्लाह की मोहब्बत लोगों के दिलों में नहीं डाल रहे होते वो तो अपने अपने करीब लोगों को इकट्ठा कर रहे होते तो इतने सारे कराइन और दलाइल से ये तो साबित हो जाता है और फिर पिछली आसमानी किताबें जिनको तुम भी मानते हो वो भी गवाही दे रही हैं तो इतनी दलील काफ़ी है हमारे इस दावे के सच्चे होने के लिए टाइम हमें मालूम नहीं है तो काफ़िरों ने भी अब काफिर लोग एतराज़ करते हैं भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं तो इतनी कम उम्र से शादी क्यों की उन्होंने किसी की उम्र का ज़्यादा होना और उसकी ज़ोज़ा की उम्र का कम होना ये न, नबी ना होने की दलील नहीं है इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है हाँ आप इस अमल का जुल्म होना साबित कर दो फिर ये इसकी दलील है कि जिसने ये काम किया वो नबी नहीं है और जुल्म, जुल्म किसे कहते हैं मजलूम पुकारे कि मुझ पर म हो रहा है दुनिया में कोई ऐसा जुल्म देखा कि मजलूम कहे बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ है भाई कोई बड़ी उम्र का आदमी कम उम्र से निकाह कर रहा है तो उम्र पे हो रहा है ना तो हजरत आयशा से नबी ने निकाह किया अम्मी आयशा की उम्र नौ साल नबी की उम्र उनचास पचास साल तो माजल्ला यह किस पे हुआ अम्मी आयशा पे वो बोलती कि गलत हो गया मेरे साथ मेरे अब्बा ने गलत किया उस वक्त बच्ची थी जो बाद में बोल देती हम सीरत उठा के देखते हैं जिन हदीस की किताबों में ये लिखा है कि नौ साल की बच्ची से निकाह हुआ लड़की से निकाह हुआ उन्हीं किताबों में जो हजरत आयशा के हालात लिखे हैं ऐसी मियाँ बीबी में मोहब्बत की मिसाल इस कायनात में मिलती नहीं है तो पैगंबर से जुल्म का सदूर यह मुमकिन नहीं है लेकिन जुल्म की डेफिनेशन वो नहीं है जो आप कहें और हम पहन लें जुल्म की डेफिनेशन वो है जो सारी दुनिया में मुतफन अल है जिनमें सबसे पहली शर्त यह कि मजलूम कहे मुझ पर जुल्म हो रहा है मजलूम को उस पर एतराज हो जाए मजलूम खुश है इसका मतलब यह मजलूम देखो इसकी एक मिसाल तू खिलाड़ियों के बल्ले करोड़ों रुपए में बिकते हैं क्या ख्याल है भाई ये जावेद मियाँ दादात का बल्ला है जिसने आखिरी बॉल पर छक्का मारा था मारा था ना एक बार शारजा में हम छोटे थे उस वक्त आखिरी बॉल पर क्या मारा था छक्का वो बल्ला पता नहीं करोड़ों में बिका है मेरा ख्याल है अब एक आदमी जिसको जावेद मियादाज से कोई अकीदत नहीं छक्के चौकों से कोई दिलचस्पी नहीं है उसको क्रिकेट से भी मेरे जैसा आदमी को कोई दिलचस्पी नहीं है तो वो एक शख्स ने करोड़ रुपए का बल्ला खरीदा और फ्रेम में घर में लगा दिया कि वो बल्ला है वो बैट है जिससे शारजा जो कप था उसमें आखिरी बॉल पे क्या लगा था भाई छक्का मारा था तो एक करोड़ का मैंने खरीदा है मैं आ गया जी मैंने बयान किया मैंने कहा जावेद मियादास से बड़ा जालिम इस कायनात में कोई नहीं है पचास रुपए का बल्ला एक करोड़ में पहना दिया एक आदमी को सही है ना पचास रुपए का बल्ला कितने में पहना दिया एक करोड़ में पहना दिया लकड़ी ही है तो है उसमें ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाली लकड़ी होगी पाँच सौ का बल्ला होगा हजार का बल्ला होगा दस हजार का बल्ला होगा एक करोड़ का दो करोड़ का तो कुछ बनता ही नहीं है और मैं दलील ये दे रहा हूं कि भाई ये एक करोड़ का बल्ला जावेद मियाँ दाद ने बेच दिया ये जुल्म किया उस मजलूम के ऊपर उस बंदे के ऊपर इतनी सी चीज़ को इतना महंगा करके बेच दिया दलील मैं ये दे रहा हूं कि आज तक बल्ले 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 इस कीमत पे कभी बिके नहीं है ये तो मियाँ दाद के बल्ले की वजह से मियाँ दाद की बल्ले बल्ले हो गई है मैं ये कहना शुरू कर दिया मियाद आद के तो मजे हो गए उसके तो बल्ले की वजह से बल्ले बल्ले हो गए लोग कह रहे हैं भाई कैसे जुल्म हो गया मैं मिसाल दे रहा हूं भाई देखो ये भी बल्ला है मार्केट में कीमत पूछो लोग कह रहे हैं चार हजार कोई कह रहे हैं पांच हजार यार एक करोड़ और चार हजार में फर्क क्या अंधे हो क्या तुम अकीदत की एनक लगाई हुई है तुमने मैं जितनी मर्जी तकरीरें करूं अकलमंद कहेगा भाई जिस पे जुल्म हुआ है जरा उससे जाके इंटरव्यू लेते हैं मैं ना जावेद मैं दादात के ख़िलाफ़ तकरीरें कर रहा हूँ ये ज़ालेम है इसने अपना बल्ला एक करोड़ में पहना दिया ये कर दिया वो कर दिया मैं गया हम इंटरव्यू लेने वाले मजलूम के घर पहुँच गए सर ये आपको पहनाया गया है पहनाना समझते हैं ना कराची की इस मैं इतवार बाज़ार गया था बकरी पहनाना पहन के आने लगा था शुक्र है किसी ने बता दिया कि ये ठीक बकरी नहीं है खैर तो मैं गया मैंने कहा भाई ये आपके साथ बहुत ज़्यादती हुई है ये देखो ये बल्ला में लेकर आया जाऊँ सौ रुपए का है ये है या पाँच हज़ार का है या दस हजार का है इसी जैसा है इतना ही बड़ा साइज है जावे मेहदाद ने आपके साथ बहुत जुल्म किया एक करोड़ का पहना दिया तो मजलूम कह रहे है, भाई जान आप कौन हो कहाँ से आए हो ठीक है ना ये मैंने मुझे पहनाया नहीं किया है अपनी शौक से अपनी मर्जी से मैंने खरीदा है और मेरे लिए करोड़ दो करोड़ की कोई हैसियत नहीं है और तीस करोड़ तो अभी लग रहे हैं इसके मैं दे नहीं रहा क्योंकि तारीख ही बल्ला है हमारी नस्लों में चलेगा तो केस फौरन ख़ारिज हो जाना चाहिए ना ऐसे मौके पे मैं कहूँ यार जब ये खुश है या तो ये बेवकूफ़ बना वो मियाँ दाद का बल्ला ही नहीं था वो कोई और बल्ला था मियाँ दाद का कह के इसको पहना दिया लेकिन बल्ला भी मियाँ दाद का है और इसको भी यकीन है कि उसी का बल्ला है चलो उस वक्त अगर इसके साथ धोखा हुआ था तो अब इसको कॉन्फिडेंस है कि भाई नहीं बिल्कुल वही बल्ला है तो मैं क्या कहूँगा भाई अकीदत की बात है यार आपको अगर उसी से अकीदत है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है और फिर वो अगला ये भी कहता है कि यार मियाँ दाद के लिए करोड़ दो करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है उसको तो ये करोड़ दो करोड़ की उसकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है वो तो वैसे ही कमा ले इतने पैसे दो तार छक्के और लगाएगा तो आठ दस करोड़ वैसे ही कमा लेगा वो खिलाड़ी के पास तो बहुत पैसा होता है ना तो ये उसका मुझ पर एहसान है कि मुझे बेच दिया उसने वरना कस्टमर तो बहुत थे यही बात है भाई ये जो कहते हैं जुल्म किया जुल्म किया सैदा आयशा से पूछो क्या आप पे जुल्म हुआ वो कहेंगी भाई पैगंबर के पास रिश्तों की कमी नहीं थी पैगंबर हैं जो उनको पैगंबर मान रहे हैं उनके लिए तो बड़ी वैल्यू है जैसे जो क्रिकेट को क्रिकेट मानता है और उसमें दिलचस्पी लेता है उसके लिए तो एक करोड़ भी सस्ते हैं मेरे जैसे के लिए पचास रुपए में भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे जैसे के लिए नहीं है तो जो पैगंबर को पैगंबर मानते हैं अम्मी आयशा तो मानती थी ये अल्लाह के पैगंबर हैं अबू बकर तो मानते थे ये अल्लाह के पैगंबर हैं उनके लिए तो भाई पैगंबर का एहसान है कि अम्मी आयशा से निकाह किया उन्होंने आपके लिए रिश्तों की कमी बोलो नहीं थी आपके लिए कौन सी कमी थी रिश्तों की ये तो उनका नबी का एहसान है लेकिन जो पैगंबर को पैगंबर नहीं मानते वो बोलते रहेंगे जुल्म हो गया ये हो गया फलाना हो गया डिमकाना हो गया तो भाई आप जिस सबसे दुनिया में एक असूल है कि जिस पे जुल्म होता है वो मजलूम माने कि मुझ पे जुल्म हुआ है अगर मजलूम ही ना मान रहा हो वो केस करने के लिए तैयार ना हो तो दुनिया की कोई कोर्ट भी उस केस को लेने के लिए तैयार नहीं होती आप अदालत चले गए आपने वकील हायर किया केस किया कि वसीम ने के करोड़ रुपए चुराए हैं वसीम ने क्या किया के, के करोड़ रुपए चुराए अदालत बुलाएगी आपको आप वसीम हैं नहीं मैं वसीम तो नहीं हूँ आप उसके मामू हो नहीं भाई मैं उसका मामू भी नहीं हूँ तो वसीम ने आपको नुमाइंदा बनाया है नहीं भाई नुमाइंदा नहीं बनाया वसीम तो वो दूसरे महल में रहता है मैं इस महल में रहता हूँ अदालत कहेगी तो जिसने जिसके चुराए हैं वो आए ना क्या ख्याल है भाई अब आप गए वसीम के पास नहीं सॉरी गफ्फार के चुराए थे ना किसके चुराए थे गफ्फार के चुराए थे आप गफ्फार के पास गए यार तुम्हारे पैसे वसीम ने चुराए हैं मैं कोर्ट में केस कर रहा हूं कोर्ट केस को निकाल रही है बोली गफ्फार खुद आए ना तो गफ्ार कहे जब मेरे पैसे वसीम ने चुराए हैं मैं नहीं जा रहा तो तू क्यों मेरी तरफ से बिलाव जा नुमाइंदा बनाऊ मैं जानू और कौन जाने वसीम जाने तो छोड़ दे तू मेरे हाल मुझे अपने हाल पे तो दुनिया की कोई कोर्ट भी जिस पे जुल्म हुआ है वो अगर केस ना करे तो इल्ला ये कि रियासत के खिलाफ कोई काम किया हो फिर उसमें रियासत वकील मुतयन करती है किसी को दुनिया में कोई कोर्ट भी ऐसा केस को नहीं लेती तो ये कैसा केस है गैर मुस्लिमों का यार कि हम तुम्हारी कोर्ट में अपना केस लेकर जाएं कि तुम सईदुलंबिया पे इल्ज़ाम लगाओ कि उन्होंने नौ उम्र बच्ची से निकाह किया कम उम्र से और उन उनप जुलम हुआ ज्यादती हुई और जिस पे हुआ है वो केस करने के लिए तैयार नहीं है वो फहर कर रही है तो इसका मतलब तुम्हारा हेडिक है ही नहीं ये उनका आपस का मामला है या या ये मसला भी हल हो गया कि लोग आजकल बहुत इतराज करते हैं इतनी बड़ी उम्र के आदमी ने इतनी छोटी लड़की से शादी बहुत आ रहा है आजकल ना तो भाई कर ली वो जाने वो वापस के उनका मामला था यार तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है बेवकूफ बना के किए फिर गलत किया अगर बेवकूफ नहीं बनाए तो वो जाने तुम दुआ करो अल्लाह बना दे तुम्हारा भी कोई क्या ख्याल है भाई इसमें कोई जल गया किसी ने दुआ दी लिखा होता है ना रक्षे के पीछे रक्षों के पीछे जो लिखा होता है गौर से पढ़ा करें बड़ी बड़ी खानदानी बातें लिखी होती हैं ट्रकों के पीछे और रक्षों के पीछे वो बातें जो जावेद चौधरी से आप नहीं सुनोगे ट्रक के पीछे मिल जाएगी आपको जो मुबरशलुकमान और हसन निसार और ऐसे ऐसे सहाफियों से आप नहीं सुनोगे वो आपको ट्रक के पीछे लिखी हुई मिल जाएगी बड़ी मोटिवेशन मिलती है उन बातों से समझ रहे हो ना कोई जल गया किसी ने दुआ दी तो, तो दुआ देने वाला जलता नहीं है और बरकत हो जाती है जलने वाले क्या होते हैं सूखते चले जाते हैं आप नमाज के बाद